Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. So you never miss any new updates, cause whenever we upload new video you will get a notification on your phone. नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आप ही के अपने YouTube चैनल हाईटेक इन्फो में। तो दोस्तों आज हम आपके लिए एक और अनबॉक्सिंग वीडियो लेकर आए हैं। दोस्तों आज हम जिस डिवाइस की अनबॉक्सिंग करने वाले हैं उस डिवाइस का नाम है 360 HD होम सिक्योरिटी कैमरा। इस डिवाइस को मैंने फ्लिपकार्ट से 4999 रुपीज़ यानी कि 4999 रुपये में परचेज किया है। तो दोस्तों अनबॉक्सिंग शुरू करने से पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर आपने हमारे YouTube चैनल को अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप अभी कभी हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि दोस्तों हम आपके लिए ऐसे ही ढेर सारी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस हम आपके लिए लाते रहेंगे। तो आप अभी कभी हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और दोस्तों सब्सक्राइब करने के बाद आप बेल आइकन यानी कि घंटी का आइकन को भी आप जरूर दबा दीजिएगा, ताकि जब भी हम अपनी वीडियो पब्लिश करें सबसे पहले आप हमारी वीडियो देख सके। तो दोस्तों विदाउट एनी डिले चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों जैसे कि आप देख सकते हैं कि मैंने फ्लिपकार्ट से दो कैमरे मंगाए थे और इसकी आप प्राइस देख लीजिए दोस्तों, इसकी प्राइस है 4999 रुपीस। आप देख सकते हैं दोस्तों इसकी प्राइस है 4999 रुपीस। तो यहां पर मैंने दो यूनिट मंगाए थे। तो दोस्तों सबसे पहले हम देख लेते हैं कि इस डिवाइस के बॉक्स पर क्या मेंशन है। तो दोस्तों बॉक्स के फ्रंट में ही आप डिवाइस का नाम देख सकते हैं, इसका नाम है 360 स्मार्ट कैमरा। और बॉक्स के राइट में दोस्तों यहां पे मेंशन है कि आपको इस डिवाइस को कनेक्ट कैसे करना है। और इस बॉक्स के टॉप पर आप देख सकते हैं यहां पर इस डिवाइस की प्राइस मेंशन है, इस डिवाइस की प्राइस है 4999 रुपीस। तो दोस्तों अब हम इस बॉक्स को भी ओपन करके देख लेते हैं कि डिवाइस कैसा है। तो दोस्तों बॉक्स को ओपन करते ही सामने आप कैमरा देख सकते हैं। तो दोस्तों ये कैमरा देखने से पहले हम इस डिवाइस की एक्सेसरीज देख लेते हैं कि इस डिवाइस के साथ हमको क्या क्या एक्सेसरीज मिली है। तो इसमें दोस्तों आपको यूजर मैनुअल भी मिल जाता है कि आपको किस प्रकार से इस कैमरे को कनेक्ट करना है। और ये दोस्तों एक स्टिकर है जिसे आपको इस कैमरे के नीचे लगा के आपको स्टिक करना होगा कैमरे को। और इसमें USB केबल भी दी गई है। और दोस्तों अगर इस USB केबल की लेंथ की अगर हम बात करें तो तकरीबन 1.5 मीटर की लेंथ है इस USB केबल की। और इसमें दोस्तों हमको एक वॉल ब्रेक अडाप्टर भी मिल जाता है जिसकी यूनिट है 0.2 एम्पीयर।
तो दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इस डिवाइस के साथ हमको क्या क्या एक्सेसरीज मिली है। इस डिवाइस के साथ हमको एक अडाप्टर मिला है और स्टिकर मिली है एक, और एक यूएसबी केबल, दैट्स इट। तो लेट्स कीप ऑल दिस एक्सेसरीज असाइड फॉर अ वाइल। दोस्तों इस डिवाइस का नाम 360 इसलिए है क्योंकि ये डिवाइस 360 डायरेक्शन में मूव करता है, आप देख सकते हैं। इस कैमरे को आप किसी भी डायरेक्शन में आप मूव कर सकते हैं। और इस कैमरे की एक और खासियत मैं बता दूं दोस्तों कि इस कैमरे के नीचे बहुत स्ट्रांग मैग्नेट दिया गया है, आप देख सकते हैं बहुत स्ट्रांग मैग्नेट दिया गया है, तो इसको आप अपनी सीलिंग में बहुत इजीली आप लगा सकते हैं, किसी भी मेटल पे आप अटका सकते हैं इसको बहुत इजीली। बहुत स्ट्रांग मैग्नेट यहाँ पे इसमें दिया गया है। तो दोस्तों इस कैमरे को यूज़ करने के लिए आपको सबसे पहले इस कैमरे को चार्जिंग पर लगाना होगा, आप देख सकते हैं इस कैमरे के पीछे एक चार्जिंग स्लॉट है। तो एज यू कैन सी यहाँ पर ये कैमरा ऑन हो गया है। तो दोस्तों इस कैमरे को ऑन करने के बाद सबसे पहले आपको इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लेना अपने मोबाइल फोन में। इस एप्लीकेशन का नाम है 360 स्मार्ट कैमरा। इस एप्लीकेशन को दोस्तों मैं इंस्टॉल कर चुका हूँ, तो अब मैं इस एप्लीकेशन को ओपन कर लेता हूँ। देन आपको इस एप्लीकेशन में सबसे पहले रजिस्टर करना पड़ेगा। तो दोस्तों इस एप्लीकेशन में रजिस्टर करने के बाद अब आपको दोबारा से लॉगिन कर लेना है इस एप्लीकेशन में। तो दोस्तों इस एप्लीकेशन में रजिस्टर करने के बाद आपको लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद आपके सामने कुछ इस प्रकार से इंटरफेस आ जाएगा। देन आपको दोस्तों इस कैमरे को पेयर करना है अपने मोबाइल फ़ोन के साथ। इस कैमरे को दोस्तों अपने मोबाइल फ़ोन के साथ पेयर करने के लिए आपको सभी इंस्ट्रक्शन को फॉलो करना होगा, जो अभी आप देख सकते हैं। Awaiting wireless setup data. Please turn up the volume on your phone or hold it closer to the camera. Press the send sound wave button. Once set, sound wave received. Please click next. तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं कनेक्शन इस्टेब्लिश हो रहा है कैमरे और मेरे मोबाइल फ़ोन के बीच में। तो दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारा कैमरा हमारे मोबाइल फ़ोन के साथ कनेक्ट हो गया है। तो यहाँ पर हम सभी क्लिपिंग्स देख सकते हैं हमारे इस कैमरे की। तो दोस्तों अगर आपको ये कैमरा पसंद आया है और आप इस कैमरे को परचेज़ करना चाहते हैं, तो दोस्तों वीडियो डिस्क्रिप्शन में मैंने इसका लिंक दे दिया है,
वीडियो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक की मदद से आप डायरेक्टली इस डिवाइस को आप परचेज कर सकते हैं। दोस्तों आई होप आज की वीडियो आप सभी के लिए जरूर हेल्पफुल होगी, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज आप इस वीडियो को लाइक और अपने सभी दोस्तों को शेयर जरूर कीजिएगा। दोस्तों अगर आपके कोई भी सुझाव है इस वीडियो के रिगार्डिंग तो आप इस वीडियो के नीचे लिखे कमेंट सेक्शन में अपने वैल्यूएबल कमेंट्स जरूर कीजिएगा। और दोस्तों अगर आपने हमारे YouTube चैनल को अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो आप अभी कभी हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आपको इस वीडियो के नीचे दिए लाल कलर के सब्सक्राइब का बटन को अभी कभी दबा देना है, और आप सब्सक्राइब करने के बाद आप बेल आइकन को भी जरूर दबा दीजिएगा ताकि सबसे पहले आप हमारी वीडियो देख सकें। तो दोस्तों नमस्कार।